सब्सक्राइब कीजिए पूजा जीटी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको फुल लेंथ की बाजू का एक न्यू डिजाइन बताऊंगी। इस डिजाइन को आप अपने किसी भी ड्रेस पर बना सकते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू माय ऑल सब्सक्राइबर एंड व्यूअर्स। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी बाजू की कटिंग कर लेंगे। बाजू की कटिंग करते टाइम हम बाजू की जो हमारी फुल लेंथ है, जो हमें तैयार लेंथ रखनी है, ये मुझे तैयार लेंथ 20 इंच रखनी है, तो इससे हम 1 इंच कम लेंगे। ये देखिए मैंने 1 इंच कम ले रखा है, मैं ये 20 इंच हमारी रेडी हो जाएगी। इसके बाद हम अपनी बाजू की अब बॉटम का माप लेंगे कि ये हमारी बाजू की बॉटम कितनी है। ये मेरी है 10.5 इंच। अब हम एक पेपर पेस्टिंग लेंगे। ये देखिए ये मैंने पेपर पेस्टिंग ली है। इसकी जो लंबाई लेंगे हम, वो हम अब बाजू की बॉटम के बराबर लेंगे। ये हम 10.5 लेंगे। ये हमारा 10.5 इंच आ गया है। और इसकी जो चौड़ाई लेंगे हम, ये 6 इंच लेंगे। हम इसको फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए ये हमारी लंबाई है। इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद ये हमारा बंद वाली साइड है, ये हमारी खुली वाली साइड है। खुली वाली साइड हम 2 इंच का निशान लगाएंगे। ये 2 इंच का निशान लगा लिया मैंने। अब हम इस निशान को यहाँ मिलाएंगे गोलाई की शेप देते हुए। इस तरीके से अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये मैंने कट कर लिया। अब ये जो हमारा पैटर्न निकल के आया है, इसका हम यूज करेंगे। इस पैटर्न को हम कपड़े की उल्टी साइड में रखते हुए पेस्ट कर लेंगे। ये मेरा कपड़ा है, इसकी उल्टी साइड में रखते हुए मैं पेस्ट कर लूँगी। ये हमारा पेस्टिंग वाला पेपर है। इस पैटर्न को मैंने कपड़े पर पेस्ट कर लिया है। अब हम कपड़े को, ये देखिए, डबल ले लेंगे। ये दोनों सीधी साइड रहेंगी इस तरीके से। और अब हम इस पर स्टिच लगाएंगे। यहाँ से हम ये स्टिच शुरू करेंगे। यहाँ से इस पेपर के बिल्कुल पास से लाते हुए ये सिलाई हम यहाँ तक लगाएंगे। अब एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर लेंगे 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए। और यहाँ और इधर गोलाई में कट्स लगा लेंगे ताकि हमारा आसानी से सीधा हो जाए, इसमें सिलवट ना आए। अब हम इसे सीधा कर लेंगे और इस पर अच्छे से प्रेस लगा लेंगे हम। ये हमारा पैटर्न रेडी हो गया। अब हम इसे बाजू पर अटैच करेंगे। उससे पहले हम इसके बीच सेंटर में कट लगा लेंगे। ऐसे फोल्ड करेंगे और इसके बीच में ये कट लगा लेंगे। इसी तरीके से हम बाजू के बीच में कट लगा लेंगे। ये हमारी बाजू की बॉटम है, बॉटम के बीच में ये कट लगा लेंगे और बाजू को ओपन करेंगे। ये हमारी बाजू की सीधी साइड है और ये हमारे पैटर्न की सीधी साइड है। ये पैटर्न की वही सीधी साइड रखेंगे जिधर हमने ये पेपर पेस्ट कर रखा है। ये हम सीधी साइड रखेंगे। दोनों की सीधी साइड को मिलाएंगे और आपस में कट्स को मिलाएंगे और सीधी सिलाई लगा देंगे एक पैर का मार्जिन रखते हुए। अब हम एक टॉप स्टिच लगाएंगे। इसको इस तरफ आगे पलट देंगे और एक पैर का मार्जिन रखते हुए इधर से ये ऊपर से स्टिच लगाएंगे हम। ये देखिए इस तरह ये हमारी यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। अब हम एक पट्टी लेंगे। ये मैंने पट्टी ली है। पट्टी की जो चौड़ाई है वो है 2.5 इंच और इस पट्टी की जो लंबाई है वो है 22 इंच। इस पट्टी को हम फोल्ड करेंगे
पट्टी की सीधी साइड अंदर की साइड है। इस तरीके से पट्टी को फोल्ड कर लेंगे और इस पर हम ये स्टिच लगाएंगे। यहाँ से हम स्टिच शुरू करेंगे और इसके यहाँ तक हाफ तक ये स्टिच लगाएंगे। उसके बाद हम इसे इतना ओपन रखेंगे पट्टी को, ये देखिए। इसे सीधा करने के लिए हम बीच में से इसे ओपन रखेंगे और दोनों साइड ये सिलाई लगाकर इसको बंद कर लेंगे। हम इस तरीके से ये पट्टी पर सिलाई लगाएंगे, बीच में से इसे हम इतना ओपन रखेंगे और दोनों साइड से इसे बंद करते हुए ये स्टिच लगा लेंगे। अब इस पट्टी को हम सीधा करेंगे, ये देखिए जिधर से हमने ओपन रखा था उधर से हम इसको सीधा करेंगे। अब ये पट्टी हमारी यहाँ से ओपन है, इस पर हम सिलाई लगाकर इसे बंद कर लेंगे यहाँ से। ये हमारी पट्टी बनकर तैयार हो गई है, ये देखिए इस तरीके की ये हमारी पट्टी बनी है। अब हम इसे बाजू पर अटैच करेंगे। ये हमारी बाजू का बीच सेंटर है और बाजू की सीधी साइड है। हम पट्टी को फोल्ड करते हुए इसके बीच में निशान लगा लेंगे। ये हमारी पट्टी का बीच है, दोनों के बीच सेंटर को मिलाएंगे और इस पर हम ये स्टिच लगा देंगे पट्टी के ऊपर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये पट्टी मैंने यहाँ अटैच कर ली है। अब हम अपनी बाजू की फिटिंग का निशान लगाकर ये फिटिंग वाली स्टिच लगाएंगे। ये फिटिंग वाली स्टिच लगाकर मैं दिखाती हूँ कि बाजू का लुक किस तरीके का आएगा। यहाँ से हम अपनी बाजू की बॉटम का माप ले लेंगे। ये मैंने बाजू को सीधा कर लिया। अब हमने जो ये पट्टी लगाई थी इसको हम यहाँ बांध लेंगे, ऐसे बो टाइप बांध लेंगे इसे। इस तरीके से हम इस पट्टी को बांध लेंगे, इस तरीके से ये बाजू का लुक आएगा। और ये पहनने के बाद हमारी बाजू का लुक कुछ इस तरीके से आएगा। इधर से ये हमारी इस तरीके से रहेगी, ये देखिए, और इधर से ये इस तरीके का लुक आएगा। इस तरह ये मेरी फुल लेंथ बाजू का डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। अगर आपको डिज़ाइन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।